नमस्कार, इस समय आप फिर से जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय की तस्वीरें हैं, भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो 114 आरसीसी ग्रिफ की तरफ से एक जो है फास्ट ट्रैक के कहें तो बर्फ हटाने का चिंता जारी, रोड से काम जो है शुरू किया गया। काफ़ी सराहनीय कदम है जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, बर्फ हटाने का काम जो है समय किया जा रहा है चिंता जाहिर रोड से। पिछली बार जो है काफ़ी समय के बाद जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था और जो इनके ऑफिसर हैं उनको बार बार बताने के बाद जो है बर्फ हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार देखिए अभी स्नोफॉल हो ही रहा है और साथ साथ में ही जो है बर्फ हटाने का काम आप देख सकते हैं जेके टाइम्स के माध्यम से लाइव तस्वीरें हैं किस तरीके से जो है 114 आरसीसी ग्रिफ जो है इस समय काम कर रही है नए ऑफिसर के आने के बाद, क्योंकि जहां तक हमारे को जानकारी मिली है वो जो ऑफिसर हैं उनको जो है भद्रवाह से यानी कि उनकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे कर दी गई है और उसके बाद नए ऑफिसर के आने के बाद ये प्रयास देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रिफ का है, क्योंकि कल से बर्फबारी हो रही थी और आज ये बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, तो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे आप इस काम को कह सकते हैं किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से जो है दिखाने का प्रयास करूंगा आपको थोड़ा सा आगे जाके, तो ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है लेकिन ये काम जो है सराहनीय योग्य है 114 आरसीसी ग्रिफ का। देख ही पा रहे हैं आप किस प्रकार से जो है ताकि जो है सड़क का मार्ग जो है खुला रहे, किसी मेडिकल इमरजेंसी की कोई किसी को प्रॉब्लम पड़ती है तो उस समय जो है ये आप देख सकते हैं कि कैसे इस बार जो है ग्रिफ द्वारा जो है कदम उठाया गया है जल्दी ही इस रोड पर से बर्फ हटाने का। और मैं आपको फिर से बता दूं जिनके ऑफिसर थे टॉप ऑफिशियल्स में से उनको जो है यहाँ से पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह की यानी कि ट्रांसफ़र कह सकते हैं, ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हुए और नए जो ऑफिसर आए हैं उनकी देखरेख में ये जो काम इस समय देखने को मिल रहा है वो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस समय हम जो है आपको बता दें हैवी स्नोफॉल फिर से जो है आप देख सकते हैं ऊपर कितना भारी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास जो है 114 आरसीसी ग्रिफ का तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। एक अच्छा कदम जो है ग्रिफ के द्वारा जो है उठाया जा रहा है इस समय, क्योंकि काफ़ी फास्ट ट्रैक पे इस समय ये कार्य आप देख पा रहे हैं जेके टाइम के माध्यम से। हालांकि भारी बर्फबारी इस समय देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी जो है एसेंशियल सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको चलते हुए उसको देखते हुए जो है जिस प्रकार से इस समय ये कार्य किया जा रहा है बर्फबारी में, तो प्रशंसा की आवश्यक जो है हम प्रशंसा इनकी जरूर करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये कार्य इस समय देखने को मिलेगा। और पीछे से पूरी जो है आप देख सकते हैं ग्रिफ के अन्य अधिकारी भी जो है पूरी टीम जो है पीछे आप भारी बर्फबारी में अपना योगदान देते हुए लोगों की बात करें तो उसमें ताकि जो है कोई एसेंशियल सर्विसेज में किसी को दिक्कत ना सामना ना करना पड़े। इस बार की ये लाइव तस्वीरें हैं, इस बार जो है जैसे कि पिछली बार की बात करें तो 3-4 दिन के बाद बर्फ हटाने का कार्य किया गया था, लेकिन इस बार अगर कोई कार्य अच्छे ढंग से किया जा रहा है तो उसकी प्रशंसा भी बनती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और ग्रिफ द्वारा आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं इस समय कि किस तरीके से जो है बर्फ हटाने का कार्य किया जाता है और ग्रिफ द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे।
तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि कौन सा रोड है। सर ये है चिंता जाय रोड है जी। हाँ सुनील जी, चिंता जाय रोड है जी, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं इस समय जो है फास्ट ट्रैक पे काम किया जा रहा है और बर्फ 2 फीट से ज़्यादा है और आप देख पा रहे हैं सामने तस्वीरें। जेके टाइम्स के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरे बड़ा भी थोड़ी खुली बेट बात खुली बेट बात जी। हाँ जो इस समय दर्शक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन सा रूट खुला है, तो इस समय सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है उनका कहना है कि द्रड्डू वाला रूट जो है इस समय चिंता घाटी के लिए खुला है, जहाँ पे इस समय जो है आप वाहन का आना जाना हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये इस समय लाइव आने का एक ही मकसद था कि इस समय जिस तरीके से जो है ग्रिफ के अधिकारी काम कर रहे हैं तो सराहनीय योग्य इनका कदम, क्योंकि काफ़ी फास्ट ट्रैक पे कल जिस तरीके से बर्फबारी और अभी भी हो रही है, मुझे लगता है फिर से बर्फ जो है जमेगी सड़कों पे। और इस समय की ये तस्वीरें हैं चिंता से, जहां पर 114 cc ग्रिफ की बात करें, और ख़ास तौर पे ये बताना बहुत ही ज़रूरी है जो इनके ऑफिसर थे टॉप ऑफिशल्स यानी कि जो भद्रोह में इस समय ग्रिफ के, उनको जो है यहाँ से जब ट्रांसफ़र हुई है या उनकी प्रमोशन हुई है उसके बाद जब नए ऑफिसर आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जिनका जो सोचने का नज़रिया है या काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे इससे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें देखने लायक थी कि किस तरीके से जो है एसेंशियल सर्विसेज को बहाल करने के लिए बात करें, अगर सड़क को खुला रखने के लिए, तो ये काम जो है क्या जा रहा है इस समय चिंता जाय रोड पे। और जहाँ तक मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, तो इस समय जो रूट खुला है वो द्रड्डू वाला रूट खुला है, जो चिंता और द्रड्डू वाया द्रड्डू है। तो ये तस्वीरें जो है ये देखिए, ये पीछे से जो है और भी जो इनके अधिकारी हैं या वर्कर्स हैं वो भी इस रूट पे समय देखने को मिलेंगे। सर रूट सड़क का मार्ग कौन सा, ऊपर वाला खुला है द्रड्डू वाला? ऊपर वाला भी खुला है सर। ऊपर वाला खुला है? ऊपर वाला खुला है जी। अभी तो ये जो वाहन के चालक हैं उनसे मैंने बात की, तो ये कह रहे हैं ऊपर वाला भी खुला है रूट। अब अगर आप इस समय किसी गाड़ी में आ जा रहे हैं तो पहले कंफर्म जरूर कीजिएगा, कहीं फंस ना जाएं आप ऐसे आनन फानन में। और इस समय की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाऊं सड़क की, तो सड़क का मार्ग जो है इस समय खुला है, देखिए आप। फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन बर्फ हटाने का काम भी इस समय जो है किया जा रहा है ग्रिफ द्वारा। ये तस्वीरें आप जेके टाइम्स के माध्यम से देख रहे थे, और बाद में मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है आपको कमल चाड़क यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।